महाराजा हरि सिंह की जयंती के मौके पर छुट्टी घोषित करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के साथ साथ अब शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और एकजुट जम्मू भी मैदान में आ गया है। युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी, एकजुट जम्मू के प्रधान अंकुर शर्मा और शिवसेना बाला ठाकरे के जम्मू कश्मीर प्रधान मनीष साहनी ने आज तवी पुल पर इस सिलसिले में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया है और ना ही जम्मू कश्मीर में कैलेंडर में इस सिलसिले में छुट्टी घोषित की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी संगठन एकजुट होकर युवा राजपूत सभा की अगुवाई में सरकार को नींद से जगाने का काम करेंगे ताकि उनकी छुट्टी घोषित करने की मांग पूरी की जा सके। लगातार जम्मू के कई संगठन मांग कर रहे हैं, युवा राजपूत सभा ने इसको लीड करने की ठानी है और बिल्कुल शिवसेना भी उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी है। शायद सरकार ये भूल गई है कि हम उस शासक की छुट्टी की मांग कर रहे हैं जो डोगरा रियासत के शासक थे, आखिरी शासक थे जम्मू कश्मीर के, और हम उनकी छुट्टी की मांग कर रहे हैं जिसके कारण हम पूरा देश गर्व से सर ऊँचा कर कहता है कि आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जो स्वेच्छा के साथ जो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय किया, शायद केंद्र सरकार वो दिन भुला चुकी है, केंद्र सरकार उनके कार्यों को भुला चुकी है। आज कहीं ना कहीं डोगरा रियासत का, डोगरा संस्कृति की, डोगरा पहचान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिसको शिवसेना और तमाम जितनी भी संगठन आज इस मुद्दे के अंदर शामिल हुए हैं उसको कामयाब कतई नहीं होने देंगे। हमें इस महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी चाहिए क्योंकि ये जम्मू के लिए अब शान का, जम्मू के लिए मान का प्रश्न बन चुका है। इसके लिए तो फिर 15 अगस्त को जो हम छुट्टी करते हैं वही छुट्टी कर देनी चाहिए। शायद परम हमारे जो महात्मा गांधी थे, देश के परम पिता कहा जाता है उनको, उनके जन्मदिवस की छुट्टी भी कैंसिल कर देनी दी जानी चाहिए। देखिए मैं तो कहूँगा जो जैसे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वैसे ही जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए महाराजा हरि सिंह थे। उनके जन्मदिवस की छुट्टी हर जम्मू शख्स की मांग है और ये सरकार को देनी पड़ेगी, नहीं तो 10 तारीख को जो युवा राजपूत सभा ने जो आंदोलन का ऐलान किया है हम तमाम पार्टियां उसके अंदर शामिल होंगी और सरकार को इसके लिए मजबूर कर देंगे सड़कों पर निकल के कि सरकार इसकी छुट्टी को जो है सैंक्शन करे। राजन सिंह हैप्पी ने कहा कि आने वाले दिनों में अब तवी पुल पर टेंट लगाकर अपना रोष जाहिर किया जाएगा। जयदेव, भारत माता की जय, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। आज इतने एक बार दोबारा तुम्हारे सामने आज महाराजा हरि सिंह की गल लेकर आया कि बड़े आश्वासन हुई है, बड़िया तरीक हुई, बड़ा गै प्यार हुई है, बड़े गै लारे लपे हुई है जम्मू के डोगरे कन्नै। कोई पार्टी अध्यक्ष आता वह छुट्टी दिया था, कोई एम पी दिया था, सारे गै दबी जुबान दिया थे, लेकिन एल जी साहब कन्नै भी जेल्लै अहीं ना नुकुर हुई है, एल जी साहब ने अहीं आख्या कि तो आश्वस्त हो आज छुट्टी देगे, लेकिन अहीं लगता नहीं है कि प्यार कन्नै छुट्टी लभनी है। हूँ एक डिसीजन लिया गया कि आने वाली 10 तारीख ही, जी आने वाली 10 तारीख है, युवा राजपूत सभा ता जरा टेंट है या युवा राजपूत सभा छाना बसाना इसे जगह जरा अपना धरना शुरू करेगी। जब तक छुट्टी नहीं होगी अस युवा राजपूत सभा सदस्य इतना नहीं उठगन, बड़ी जल्दी गै तुसेंगी छाना बसाना सारे जम्मू के डोगरे जो 2022 आई है ना, हूँ बाई बाई कट्ठे हुई है सारे, मैं सारे लोगों अगर अपील करूँ कि सारे लोग 10 तारीख कितने आनी है, साड़ा नहीं महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं, सारे साथ दो छुट्टी जी है ये डोगरे के मान सम्मान की लड़ाई बनी चुकी है, हूँ असें छुट्टी लेइए गै दम लेना। ये हमारे प्रधान साहब ने जो बोल दिया बस हम उस पे खरा उतरेंगे, इन्होंने बोल दिया एक बार 10 तारीख को बंद तो बंद। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक डू फॉलो आवर फेसबुक पेज।